मुझे काफ़ी बुरा लगा था ये सुन के कि साबिर अंकल ने उस दिन आपको डांटा भी था। मुझे बहुत बुरा लगा था, लेकिन उनका कसूर नहीं है। इसीलिए मैं चाहता हूँ सोमिया कि जब तक सब इस रिश्ते को मुकम्मल तौर पे कबूल नहीं कर लेते ना, मैं आपको कहीं और शिफ्ट कर दूँ। हम कहीं नहीं जा रहे। लेकिन सोमिया वहाँ पर बहुत खुश रहेंगे। लेकिन फिर आंटी को लगेगा कि मैं आपको उनसे दूर कर रही हूँ। अच्छा, आप लोग कितने दिनों के लिए जा रहे हैं? मैंने कहा था ना आप नहीं रह पाएंगी। मैंने ही जबरदस्ती मजबूर किया था ना जाने के लिए। अब सब्र करके चंद दिनों की जुदाई बर्दाश्त कर लूंगी। मौसम बहुत अच्छा हो रहा था तो मैंने सोचा आप दोनों के लिए चाय बना लूं। थैंक यू, दैट्स वेरी कंसिडरेट। तो अपने लिए भी ले आती? असल में मैं बैठ जाऊंगी ना तो सोमिया को अच्छा नहीं लगेगा। क्यों सोमिया? सोमिया, आपको शीरी को भी हमारे साथ चाय पीने का कह देना चाहिए था। आपको अंदाजा नहीं है उसे कितनी खुशी होती। अंदाजा है मुझे, आपसे बहुत ज्यादा अंदाजा है। तो फिर आप उससे दोस्ती क्यों नहीं कर लेती हैं? अगर आप उसे इग्नोर करेंगी, उससे दूर रहेंगी तो वो आपको एहसान फरामोश समझेगी। अदन, क्या मैं इस एहसान से कभी रिहाई नहीं पा सकूंगी? आप ऐसा क्यों सोचती हैं? वो इतना ख्याल रखती है आपका, इतनी तारीफ करती है आपकी। आप प्लीज इस ख्याल को अपने दिल से निकाल दें, प्लीज। एक बात कहूं, मुझे इस घर में आंटी से ज्यादा शीरी से डर लगता है। कैसा डर? कि वो आपको मुझसे छीन लेगी। सोमिया, अगर उसने आपको मुझसे छीनना होता तो वो आपको यहाँ क्यों लेकर आती? आप प्लीज ये सारे खौफ और वसवसे अपने दिल से निकाल दो। ट्रस्ट मी, ऐसा कुछ नहीं है। शीरीन बेटा, बिजी तो नहीं हो? नहीं खाला, बोले। मैं तुम्हें कुछ बताना चाहती हूँ। जी खाला। तुम्हें क्या लगता है अदन कैसे तैयार हो गया नाजी और अक्सब की तरफ जाने के लिए? सोमिया ने मनाया है खाला, आप ही ने बताया था। अदन एक प्लानिंग के तहत वहां जा रहा है। प्लानिंग के तहत क्या मतलब? वो वहां जाकर नाजी और अक्सम को एतमाद में लेकर सब बताना चाहता है। ऐसा आपको अदन ने कहा है? हम जितना इस मामले को छुपाना चाहते हैं वो उतना ही साहब को भड़काना चाहता है। खाला, मैंने तो अदन को ये भी कह दिया है कि नाजिया ने कहा है अगर हम लोग वहां नहीं गए तो वो लोग यहाँ का प्लान बनाकर आ जाएंगे। इस तरह सोमिया की असलियत छुपाना नामुमकिन है, लेकिन अदन ऐसे रिएक्ट करे थे जैसे कोई बड़ी बात ही नहीं है। श्री, एक बार अगर एक बार भी ये बात अदन की जबान पर आ गई तो इस मामले को संभालना बहुत मुश्किल हो जाएगा हमारे लिए। किसी भी तरह से इस लड़की से जान छुड़ाओ, निकालो इसे यहां से, मुझसे नहीं बर्दाश्त होता। खाला आप ठीक कह रही हैं, इस लड़की से जान छुड़ानी होगी वरना ये हमेशा के लिए इस घर में कदम जमा के बैठ जाएगी।